हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी लेकर आया हूं, जिसका नाम है वन मिस्ड कॉल। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कहानी एक मिस्ड कॉल के बारे में है। जब लोगों को ये कॉल आती है तो उन्हें एक वॉइस मैसेज भी आता है, जिसे जब वो ओपन करके सुनते हैं तो उन्हें अपनी ही चीहों की आवाज आती है। फिर उन्हें भूत और अजीब मखलूक दिखती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर उनके मुँह से एक रेड कैंडी निकलती है। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि आग ने एक हॉस्पिटल को अपनी लपेट में लिया हुआ है और वहाँ बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। रेस्क्यू टीम वाले एक छोटी बच्ची को रेस्क्यू करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसकी मम हॉस्पिटल के अंदर हैं, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देती। उस बच्ची के पेरेंट्स का कुछ पता नहीं होता तो उसे ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है। ऑर्फनेज में वो बच्चे होते हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है शैली नाम की एक लड़की, जो अपने घर में एक पूल के पास बैठी है और अपनी बिल्ली से बातें कर रही है। वो नोट करती है कि पूल से किसी चीज की आवाज आ रही है। जब वो उठकर पूल के पास जाती है तो एक हाथ पूल से निकलकर उसे अंदर खींच लेता है। शैली मर जाती है, वो हाथ भी गायब हो जाता है। पानी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। फिर हम पानी में एक रेड कलर की खाने वाली कैंडी को देखते हैं। बिल्ली भी शैली को देखने के लिए पूल के किनारे पर आ जाती है। वो हाथ बिल्ली को भी अंदर खींच कर मार देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ दोस्तों ने एक पार्टी रखी है। वहाँ सब आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं। बेथ और लीना नाम की दोनों लड़कियाँ रूम में आती हैं और डोर बंद करके शैली की डेथ के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। तभी लीना के मोबाइल पर शैली के नंबर से कॉल आती है, जो कि फ्यूचर वक्त की है। जब कॉल आती है तो रिंगटोन एक लोरी थी। जब वो कॉल रिसीव करती हैं तो शॉक्ड हो जाती हैं कि उसमें लीना की चीखने की आवाजें थीं। वो ये सब देख कर डर जाती हैं। फिर हम डिटेक्टिव जैक एंड्रयू को देखते हैं, जिसे एक मुर्दा खाने में लाया जाता है एक बॉडी को पहचानने के लिए। जब वो कपड़ा हटाता है तो शॉक्ड हो जाता है, ये उसी की बहन की बॉडी थी। जब वो उसका मुंह खोलता है, उसे फील होता है कि उसके मुंह में कुछ है। वो उसका मुंह खोलता है तो उसके मुंह से रेड कलर की एक कैंडी निकलती है। याद रहे कि इस कॉल, रेड कैंडी और मौत का आपस में कोई लिंक जरूर है। दो दिन बाद शैली और लीना क्लास में होती हैं। बैठे बैठे लीना को अजीब चीजें दिखाई देती हैं जो वहाँ नहीं हो रही थी। उसे हेलुसिनेशन हो रही थी। वो बेथ के हाथ पर सेंटीपीड देख कर फीड हो जाती है। क्लास से बाहर निकलने के बाद बेथ लीना को कहती है कि आओ साथ में काफी पीते हैं। लीना मना कर देती है। फिर वो लाइब्रेरी में चली जाती है। लाइब्रेरी से फारग होने के बाद लीना अपने घर निकलती है। उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगती है और हर तरफ भूत, शैतान और आत्माएं नजर आने लगती हैं। वो ये सब देखकर बहुत डर जाती है और फिर बेथ को कॉल करती है। बेथ उसे कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुमसे 2 मिनट के फासले पर हूँ, मैं आ रही हूँ। लीना इतनी डरी हुई होती है कि एक ऊंची जगह से गिर जाती है। नीचे से ट्रेन जा रही होती है, वो उसे टकरा जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। बेथ ये सब देख रही होती है। लीना की मौत के बाद बेथ को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ काफी लोग जमा हो जाते हैं। लीना के मुंह से भी वही रेड कैंडी निकलती है जो शैली के मुंह से निकली थी। बेथ जब शैली के मोबाइल के पास जाती है तो ये देखकर डर जाती है कि एक हाथ उसका मोबाइल यूज कर रहा है और नंबर निकाल रहा है। कॉलेज में दो लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि शैली और लीना की डेथ कैसी हुई और उनके मुंह से भी कैंडी निकली और उनको मरने से पहले एक कॉल भी आई थी। वहाँ उनका मेल फ्रेंड आता है और वो उनसे गुस्सा होता है कि ऐसी बातें ना करो, ये सब बकवास है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ बेथ आती है और कहती है कि ये सब सच है। वो बेथ को बताता है कि मुझे भी एक कॉल आई है जो फ्यूचर टाइम की थी, यानी अब अगला नंबर उसी का है। वो बेथ को बताकर चला जाता है। बेथ देखती है कि उसका मोबाइल तो यहीं रह गया है। वो उसके पीछे जाती है और आवाज देती है। वो फोन लेने वापस आता है और उसी कॉल के बारे में बता ही रहा होता है कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लग जाती है और एक रॉड आकर उसके पेट में घुस जाता है और वहीं पर वो भी मर जाता है। उसकी मौत के बाद बेथ को फिर से अजीब आवाजें आती हैं। उस मेल फ्रेंड के मुंह से भी कैंडी निकलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। बेथ और लेडी ऑफिसर इन वाकयात के बारे में डिस्कस कर रही हैं। बेथ पुलिस ऑफिसर को ये सब बताती है कि ये वाकयात कैसे हुए। शैली ने लास्ट कॉल लीना को की और लीना ने उसी मेल फ्रेंड को की मरने वाले के फोन से, जिसको लास्ट कॉल जाती है उसी को फ्यूचर टाइम में मरने वाले के फोन से कॉल आती है, जिसमें उसी के चीखने की आवाज होती है और फिर उसके साथ स्ट्रेंज वाकयात होती हैं और वो मर जाता है। उनकी डेथ के बाद एक अजीब सी आवाज आती है और उनके मुंह से रेड कैंडी भी निकलती है। पुलिस ऑफिसर सारी बात सुनती है लेकिन उसे सीरियस नहीं लेती और ये सब कुछ एक कहानी समझती है। वहाँ एक डिटेक्टिव भी बैठा होता है जिसका नाम जैक एंड्रयू है। वो बेथ की सारी बातें गौर से सुनता है। बेथ जब वहाँ से जाने लगती है तो जैक बेथ के पास आता है और कहता है कि मेरी बहन हॉस्पिटल में नर्स थी, उसकी मौत हुई और मुंह से रेड कैंडी निकली। उसके 2 दिन बाद शैली की डेथ हुई। वो उसे अपना कार्ड दिखाता है और कहता है कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताना। वो ये भी बताता है कि मैं सबके फोन कॉल्स का डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। बेथ जब वापस अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसकी रूममेट घबराई हुई है। बेथ उसे पूछती है कि क्या हुआ है। वो बताता है कि मेरे फोन पर भी वही कॉल आई है और अब मेरी बारी है मरने की, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती।
बेथ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो डरी हुई थी। बेथ उसे काम डाउन करती है और अपने और उसके फोन की बैटरी से निकाल देती है। रात को बेथ की दोस्त के फोन पर फिर से कॉल आने लगती है, हालांकि बेथ ने दोनों फोन की बैटरी निकाल दी थी। फोन पर दो दिन के बाद की कॉल आती है। वॉइस मैसेज में उसकी चीखने की आवाज थी। दोनों लड़कियां रात तो किसी तरह गुजार लेती हैं, सुबह कॉलेज जाने के लिए रेडी होती हैं और वो फोन भी तोड़ देती हैं जिस पर कॉल आई थी। वो घर से निकलने लगती हैं तो एक टीवी चैनल का एंकर आता है। बेथ की दोस्त को कहता है, मुझे कहीं से पता चला है कि नेक्स्ट कॉल तुम्हें आई है, मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम हमारे शो में लाइव आओ, हम ये सब दुनिया को दिखाना चाहते हैं और तुम्हारी जान भी बचाएंगे। बेथ मजीद उसकी बातें नहीं सुनती, उसे मना करके अपनी दोस्त को वापस घर ले आती है। बेथ की दोस्त उसे कहती है कि हो सकता है कि वो टीवी ऑनर हमारी मदद करे और मैं मरने से बच जाऊं, लेकिन बेथ ने तो उस आदमी को मना कर दिया था। नेक्स्ट डे जब बेथ सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड रूम में नहीं है। वो उसे ढूंढने बाहर आती है तो देखती है कि डोर पर एक नोट लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि बेथ, मैं अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ। तभी वहाँ डिटेक्टिव आता है बेथ से मिलने के लिए। वो उसे बताता है कि मैंने सब मरने वालों के फोन का डाटा इकट्ठा किया और मुझे पता चला कि मेरी बहन को एक लेडी ने कॉल की जो बीमार थी, फिर मेरी बहन मारी गई और उसके फोन से लास्ट कॉल शैली को गई थी जो उसके मरने के बाद फ्यूचर टाइम में की गई थी। शैली ने कॉल उसी मेल फ्रेंड को की और उसने तुम्हारी रूममेट को की जिसको लास्ट कॉल की जाती है, वही मारा जाता है। और वो उसे कहता है कि मैं इस लेडी के घर जा रहा हूँ जो बीमार है, उसने मेरी बहन को कॉल की थी, शायद हमें इस केस में मजीद कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। बेथ भी उसके साथ जाती है और अब वो उस लेडी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो वहां की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक सीडी मिलती है। जब उसे ऑन करते हैं तो उसमें एक बच्ची की वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो प्ले कर रही थी। ये छोटी बच्ची और एलिस उस बीमार लेडी की दो बेटियां हैं। छोटी बच्ची की प्लेइंग वीडियो एक खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की गई बच्ची पर नजर रखने के लिए। वो घर में आगे पीछे देखती है लेकिन उन्हें ये खुफिया कैमरा कहीं भी नहीं मिलता। डिटेक्टिव एक रूम में जाता है तो उसे वहाँ एक इनहेलर मिलता है जिसे अस्थमा यानी दमे के मरीज यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस घर में कोई दमे का मरीज है। डिटेक्टिव इस इनहेलर को पंप करता है तो उसे एक अजीब आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही बेथ डर कर बाहर आ जाती है और कहती है कि ये वही आवाज है जो मुझे मेरे दोनों फ्रेंड के मरने के बाद आई, हालांकि वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे ये आवाज आती। अब वो दोनों इस केस को लेकर मजीद क्यूरियस हो जाते हैं। वो मजीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और डेटा रिकॉर्ड चेक करते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि इस बीमार लेडी की दो बेटियां हैं और बड़ी बेटी एली की डेथ अस्थमा से हुई थी और वो छोटी बेटी को बार बार हॉस्पिटल लेकर आती थी। कभी वो जख्मी हुई, कभी जली हुई थी और कभी उसने कोई पॉइजन पी लिया होता। वो उसको 9 बार हॉस्पिटल लेकर आई और हर बार उसकी छोटी बेटी डिफरेंट तरह से बीमार थी। बेथ को वहाँ एक फाइल मिलती है जो कि एक नर्स ने डाटा कलेक्ट किया था एली की मदर से। बेथ कहती है कि मुझे लगता है कि ये औरत वही मरीजा थी और उसने बार बार अपनी छोटी बेटी को टॉर्चर किया और फिर हॉस्पिटल लेकर आती, देखभाल करती। वो इसलिए ये सब कर रही थी ताकि बच्चों की अटेंशन हासिल कर सके। जिस नर्स ने ये फाइल बनाई वो डिटेक्टिव जैक की बहन थी जिसकी डेथ हो चुकी है। तो वहाँ बेथ को टीवी पर लाइव टीवी शो में अपनी रूम में नजर आती है जो चर्च में है और ये सब लाइव चल रहा है। बेथ फौरन चर्च के लिए निकलती है, साथ में डिटेक्टिव भी होता है। रास्ते में उसे रूममेट की कॉल आती है और वो बेथ को सॉरी करती है। बेथ चर्च में जाती है तभी वहाँ की लाइट्स खुद ही ऑफ हो जाती हैं, अंधेरा हो जाता है। एक शैतानी ताकत ये सब कर रही थी। बेथ की फ्रेंड का सांस बंद होता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। जब लाइट ऑन करती हैं तो उसकी डेथ हो चुकी थी और मुंह से कैंडी निकलती है। अब नेक्स्ट कॉल बेथ के फोन पर आती है, यानी अब मरने की बारी बेथ की है और उसके पास रात 7:55 तक का वक्त है। जैक को पता चल जाता है कि एली की छोटी बहन एक ऑर्फनेज सेंटर में है, उससे मिलने जाती हैं। वो उस बच्ची से पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। उस बच्ची के पास जो बियर टॉय था उसमें से वही आवाज आती है जो उस कॉल के रिंगटोन थी, यानी लोरी थी। वो ये इग्नोर कर देते हैं। बेथ मजीद डेटा इकट्ठा करने जाती है। वो डिटेक्टिव को कॉल करके कहती है, मैं उस हॉस्पिटल में जा रही हूँ जहाँ एली और उसकी छोटी बहन का इलाज हो रहा था, शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए। बेथ हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है तो आगे और पीछे के दोनों दरवाजे लॉक्ड थे। तभी एक दरवाजा खुलता है और वो अंदर जाती है। वो अंदर जाती है तो एक शैतानी ताकत उस पर हमला करने लगती है और खींच कर ले जाती है। किसी तरह वो बचकर बाहर की तरफ भागने लगती है लेकिन डोर लॉक हो जाता है। तभी उसे बचाने के लिए डिटेक्टिव आ जाता है। शैतानी ताकत उस पर भी अटैक करके उसे बाहर फेंक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बेथ वहां से भागने की कोशिश करती है
उसे एक वेंटिलेशन चैम्बर नजर आता है। वो भागते हुए उसके अंदर से गुजरने लगती है तो उसे फोन पर कॉल की आवाज आती है और देखती है कि वो फोन एक जली हुई डेड बॉडी के हाथ में है और ये सब इस फोन की वजह से हो रहा था। वो फोन तोड़ देती है तो डेड बॉडी मूव करते हुए बेथ के ऊपर आ जाती है। बेथ उसे कहती है कि मुझे तकलीफ ना देना। वो बेथ को कहती है कि मुझे माफ कर दो। डिटेक्टिव को होश आ चुका था, वो अंदर आता है और बेथ की हेल्प करता है। तभी वहाँ बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। बेथ डिटेक्टिव को कहती है कि मुझे मरने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए यहाँ बुलाया गया था। इस जली हुई लाश ने मुझे बचाया। डिटेक्टिव एली की छोटी बहन से मिलने जाता है। वो उसका टॉय लेता है तो उसके अंदर वही खुफिया कैमरा और सीडी थी। वो उसे प्ले करता है तो देखते हैं कि एली अपनी छोटी बहन को टॉर्चर करती थी, मारती थी और फिर उसकी मॉम हॉस्पिटल ले जाती। एक दिन एली छोटी बहन के हाथ काट रही थी, उसकी मॉम ने देख लिया। गुस्से में उन्होंने एली को रूम में बंद कर दिया और छोटी बहन को लेकर हॉस्पिटल चली गई। एली को अस्थमा था, वो अपनी मॉम को कॉल करती रही। उस दौरान उसकी सांस बंद हो जाता है और वो मर जाती है। छोटी बच्ची भी ये सब देख रही थी। डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुमने अपनी मॉम को ये सब क्यों नहीं बताया, तो वो कहती है कि एली मुझे मारने के बाद एक कैंडी देती थी। बेथ के पास एली की रूह आती है, वो डर जाती है। वहाँ डिटेक्टिव आता है और बेथ को सब बताता है। वो उसे कहता है कि वो जली हुई बॉडी बेथ की मॉम की थी। अब डोर नॉक होता है, डिटेक्टिव हॉल से बाहर देखता है। बेथ उसे मना भी करती है लेकिन तब बाहर से कुछ तेज नाइफ डिटेक्टिव की आंख में घुस जाता है। ये नाइफ उसके दिमाग को भी चीर देती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। डोर ओपन होता है और एली की रूह अंदर आती है। दरअसल ये एक बुरा शैतान था, वो बेथ को मारने वाली होती है लेकिन उसकी मॉम आकर बेथ को बचा लेती है। डिटेक्टिव मार चुका था, उसके मुंह से कैंडी निकलती है और उसके फोन से नेक्स्ट नंबर डायल होने लगता है। एली की डेथ जिस तरह मॉम को कॉल करते हुए हुई, वो उसी तरह बाकी लोगों को भी मारना चाहती थी और फिर उन्हें कैंडी देती थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।